हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आपको इन्फोसिस, सुजलॉन दो मेजर स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें आपको कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड देखने को मिलने वाला है, वो भी बहुत ही अच्छी परसेंटेज के साथ और बहुत ही जल्दी। और यहाँ पर ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से एक बारी नज़र डाल लेते हैं आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में। तो आज मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो एक टाइप से हम एट पार बोल सकते हैं, यानी कि सेंसेक्स में मामूली सी गिरावट करीबन 115 पॉइंट्स की और निफ्टी 50 में करीबन 33 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक वहीं आपको जो कॉन्ट्रा मूवमेंट है वो दिखाते हुए नजर आए, यानी कि 39 पॉइंट्स के अपसाइड मूवमेंट, और निफ्टी मिड कैप आपको 101 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट दिखाते हुए नजर आया है। तो ये तो सिनेरियो रहा है आज मार्केट का। मैंने आईसीआईसी की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन आ रही है, यानी कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आई है, प्रीवियस वीडियो में मैंने वो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, और एक ट्रस्टेड ब्रोकर की तरफ से रिकमेंडेशन है। अब हम यहाँ पे बात करें इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, तो आज आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड मूवमेंट देखने को मिला मामूली सा, यानी कि 0.22% का अपसाइड मूवमेंट 1908 रुपये पे ये शेयर देखते देखते पहुँच गया। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब ये 1900 के आसपास आ गया है। वो भी ऐसा नहीं है कि इसने एकदम से बहुत बड़े बड़े मूवमेंट दिखाए, मामूली से मूवमेंट है, लेकिन एक आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में जब मार्केट की हालत ख़राब है, लेकिन यहाँ इसने 12% के रिटर्न दे दिए हैं, और 12% के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा ठीक नज़र आते हैं इतने बड़े स्टॉक में, यानी कि जिसमें आपको जो ग्रोथ है, मतलब कंपनी ऑलरेडी ग्रोइंग फेज पे आ चुकी है, तो यहाँ पे 12% के रिटर्न मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं। और पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो 37% से भी ज़्यादा के रिटर्न है, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे रिस्क फ्री रिटर्न है सबसे पहले, तो यानी कि मैंने आपको एक इसमें आपको अपडेट भी बताई थी कि जो टॉप कंपनी का अवार्ड है वो आपको इन्फोसिस को मिलते हुए नज़र आया। तो एक ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क लेने जैसा तो कोई सिनेरियो बचा ही नहीं। तो रिस्क फ्री रिटर्न, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिविडेंड इतना ज़्यादा मिल जाता है कि आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता कहीं भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फोसिस को तो आप हमेशा पोर्टफोलियो में जरूर रखो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है। कुछ टेक्निकल फैक्टर्स पर अगर हम इसके नज़र डालें तो 20 डेज मूविंग एवरेज पर अगर आप देखोगे तो जो कैंडल स्टिक्स है इससे काफ़ी ऊपर बनते हुए नज़र आ रही है, यानी कि अब धीरे धीरे करके आपको छोटा सा मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये टच होगी वहाँ से थोड़ा सा आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक इसमें इसको बचा हुआ है। अभी जो अगर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग लॉन्गर पीरियड टर्म के लिए, और डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे आपको इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। टारगेट भी अगर आप देखोगे 2100 के आसपास है शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म में तो क्योंकि इसमें आपको स्प्लिट वगैरह देखने को मिल जाएगा तो ऐसे कोई 5000-10000 के टारगेट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के 2100 के टारगेट हैं और बाइंग की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन में अगर आज आप यहाँ पे देखोगे 9.20 रुपये पर क्लोजिंग होते हुए नज़र आई है, और यहाँ पे आपको आज करीबन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ओपन हुआ था 9.40 पे, 9.45 का इसने हाई बनाया, 9.10 का लो बनाया, 9.20 की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हाल फिलहाल में आपको अपर सर्किट दिखाते हुए नज़र आया था, 13-14 पर पहुंच भी गया था, उसके बाद आपको ये शेयर गिरते हुए नज़र आया है, और अभी आपको ये जो लेवल है यानी कि 8 रुपये से 10 रुपये के बीच के लेवल पे ही कंटिन्यूसली आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो यहाँ पे बंद होते हुए नज़र आ रही है, यानी कि अगर आप देखोगे कंपनी की तरफ से नोटिस दिया गया है एक्सचेंज को कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो सुजलॉन में बंद होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जो Q4 का कामकाज है वो बंद हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं या फिर जो इनसाइडर पर्सन्स होते हैं उनको सारा सिनेरियो पता रहता है, तो अगर वो चाहें तो अपने उसी के अकॉर्डिंग पोजिशन बना सकते हैं, यानी कि अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा तो वो कंपनी में भारी मात्रा में यहाँ पर बाइंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे उनको पहले से पता होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो वो एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली इसी वजह से यहाँ पे आपको जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो बंद होती हुई नज़र आई है, और बहुत ही जल्दी आपको इसके Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे
कि विंड सोलर पावर हिट रिकॉर्ड 10th ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन दी 2021। यानी कि अगर आप देखोगे जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकता है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एलोकेशन इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़रूर बना के रखिए, सो डैट यहाँ से जब ये पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट करेगा सेक्टर, तो उसका पार्ट आप भी हो और उसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले। तो वही न्यूज़ निकल के आ रही है कि विंड सोलर पावर इसने रिकॉर्ड 10th ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन द 2001 हिट किया है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे, द रिपोर्ट पब्लिश ऑन द वेंसडे रिवील्स दैट द विंड एंड द सोलर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रीच्ड अ रिकॉर्ड 10% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन द 2021। यानी कि 2021 की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो उसका हाई यहाँ पे पहुँचते हुए नजर आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पर भी नज़र डालें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक नज़र आते हैं। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आया है, नेट इनकम 132% से बढ़ते हुए नज़र आई है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो आपको 118% से बढ़ते हुए नज़र आया। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको एक अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि फंडामेंटल्स थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा, पूरा पैसा इसमें ना लगाएं, थोड़ा सा पैसा लगाएं, यानी कि जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो उतना ही लगाएं, सो डैट आपको यहां से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वो एडजस्ट हो जाए। इन्फोसिस जैसे शेयर में आप अच्छा खासा अमाउंट लगा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी रिसर्च उसमें भी आप जरूर करें, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगे तभी आप उसमें निवेश करें। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आपको यहाँ पे स्प्लिट देते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी का नाम है बेड लीजिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। 171 के आसपास आपको इसकी क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली है। बाकी अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें, पिछले एक साल में 541% के रिटर्न है, यानी कि रिटर्न बहुत ज़्यादा बेहतरीन है अगर हम इसके एक साल के बारे में ही बात करें तो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन में, तो यहाँ पे आपको शेयर स्प्लिट देखने को मिल रहा है। एक्स डेट निकल के आ रही है 12 अप्रैल, यानी कि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, और जो रेशियो है 1:5 का, जो फेस वैल्यू 10 रुपये की थी वो आपको 2 रुपये की होते हुए नज़र आ जाएगी। अब हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें आपको डिविडेंड देखने को मिलने वाला है, स्टोबैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2141 के आसपास शेयर आपको यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आया आज की क्लोजिंग, और इसमें जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है 57 रुपये पर शेयर, बहुत बड़ा अमाउंट। एक शेयर अगर आपके पास है तो 57 रुपये का डिविडेंड तो ऐसे ही मिलने वाला है। एक्स डेट निकल के आ रही है 28 अप्रैल 2022, यानी कि आपके पास अभी पूरे एक महीने जितना टाइम नज़र आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मन बना सकते हो कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में जाना है या फिर नहीं। तो जो भी मेजर अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी रिकमेंडेशन वगैरह देखनी है आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने यस बैंक, GTL इंफ्रा और जो रिकमेंडेशन निकल के आई है ICICI डायरेक्ट की तरफ से वो बताइए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।